भले ही बोलते पापा घर है बट स्पेशल पर्सन है दद्दू। कितने टाइम बाद हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं yeah. तो कहाँ जा रहे हम दद्दू? लोनावला। सो पापा वे आपकी ट्रिप के लिए अभी जा रहे हैं। सबकी छोटी छोटी ट्रिप हुई सिर्फ दो दो दिन की। ममा वे ओनली वन डे, रियली वन डे या टू टू डेज। और आपकी ट्रिप पे तो प्रोग्रेस हुआ 3 days। सो आप क्या कहना चाहते हो? इंजॉय। यस वेरी मच फैमिली विद फैमिली। आपके बर्थडे पे यस ऑलवेज पापा आते हैं, दद्दू आते हैं। अच्छा अभी पापा को ये दिखाओ आप गाना कैसे प्ले करते हो। चीजों को सॉन्ग प्ले करो। प्ले ओ मेरी जान दिल नहीं लगता तेरे बिना। वैसे तो जब फॉग शुरू हुआ मज़ा आ रहा था, लेकिन ये हमारे लाइफ का सबसे डेडलीस्ट ड्राइव था। लिटरली हमारा 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा है, बिकॉज जब भी इतना फॉग हो गया और हम घाट पे थे रात के 9:30-10 बजे तक, ना सामने वाले की हेडलाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही थी और ना माउंटेन के शार्प टर्न्स दिख रहे थे, कोई रिफ्लेक्टर्स कुछ भी काम नहीं कर रहा था। यार वी आर वेरी थैंकफुल जब हम फाइनली पहुंचने को आए। दद्दू कैसा लग रहा है पहुंच के? हाँ बहुत बढ़िया। रिसेप्शन एक्चुअली बहुत प्रिटी था। नॉर्मली मुंबई टू लोनावला ना यार इट्स 2-2.5 hours का रास्ता। लास्ट ईयर भी हम यहीं आए थे मेरे बर्थडे के लिए मचाना जरिए क्लोज बाय टू दिस रिसॉर्ट, बट इस बार हमें 6 घंटे लगे। सो आफ्टर बींग ऑन द रोड फॉर सो लॉन्ग ऑनेस्टली कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी सूदिंग लगती है यार कि हाश हम पहुँच गए। हमने 2 अलग rooms लिए थे, एक मम्मा पापा के लिए और एक मेरे और दद्दू के लिए। इट वॉज़ अ फुल 1 BHK टाइप सिचुएशन। किचन भी फुल इक्विप था, बाहर सोफा कम बेड था, अंदर का बेड विद द बालकनी। फिर इतना ट्रैवल कर करके थोड़ा यहाँ वहाँ के स्नैक्स ही मिलता ना, लाइक वड़ा पाव एंड ऑल ऑन द वे, तो आके सबसे पहले इंडियन खाने का मन था। बचपन से तो मुझे इंडियन खाना पसंद नहीं आता था बाहर जाके, पर अब तो मुझे वो चाहिए रहता है फॉर द रिकवरी एंड ऑल द यमी फ्लेवर्स। दाल मखनी, पनीर टिक्का और गार्लिक कुलचा। फिर मामा घर से थोड़ी सी चाट की तैयारी भी करके आए थे, तो हमने मसाला पूरी बना बना के खाया, विच इज जस्ट सम बॉइल्ड पोटैटो ऑन पूरी सेव और सॉल्ट। बस खा के फिर हम तुरंत सोने चले गए। हाय गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून बोलना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिप ऑफ दीज 3 trips जिसमें मैं आराम से दोपहर को उठी हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वन जहाँ पे हम इतने सारे दिनों के लिए है। बाकी सब दो दो दिन के लिए था, तो वी हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो ऑल माय लैक ऑफ स्लीप सब रिकवर हो गया है। आवर रूम वाज जस्ट क्लीन एंड लुक एट दिस क्यूट वन। तो मैं तो अभी उठी, लेकिन ऑफ कोर्स माय फैमिली वोक अप अ लॉट अर्लियर एंड फर्स्टली यू हैव टू सी द बालकनी व्यू। यू सी द क्लाउड्स, वो कितने नीचे आए। तो मम्मी पापा ऑलरेडी प्रॉपर्टी घूम के आए एंड दे टोल्ड मी कि यहाँ पर भी इन्फिनिटी पूल जैसा है जैसा एंचावियो में था, तो दे आर लाइक हम तो नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स टू कोल्ड, बट तू जा, इट्स वर्थ गोइंग एंड दे नो हाउ मच आई लव स्विमिंग, हाउ मच ऑफ वाटर बेबी आई एम। तो बस उठ के सीधा स्विमिंग पूल, ये तो होता है वेकेशन। मीट एवरीबडी एल्स। बड़ा सिमिलर सा कलर पहना हुआ है। वेट। आई एम ईगरली वेटिंग। जब से मैं स्विमिंग पूल देख के आई हूँ मैं वेट कर रही हूँ, कब से लिख बोल रही हूँ जल्दी उठ चल वहाँ पे। Okay, take this as a sign that whichever hill station is near where you live, अगर आप मुंबई में रहते हो तो ऑफकोर्स लोनावला, या आप जहाँ भी आप रहते हो मेक इट अ पॉइंट टू विजिट इट एटलीस्ट वंस ये वेदर में, क्योंकि इतना पीसफुल, इतनी ठंडी मीठी हवा, अनबीटेबल था यार वहाँ का वेदर। ऐसा है कि बाहर का टेम्परेचर इज कोल्डर देन द वाटर, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग वार्म इन द वाटर।
and I'm just staying inside. Look at the view. अब मेरे पास है मम्मा, मम्मा वेद, who is a yoga expert. तो अब वो मुझे चैलेंज करेगी. We'll do an underwater swimming yoga challenge. So she has to tell me the pose and I have to do it. Okay, what is my first pose? Standing butterfly underwater. Okay. क्या हुआ, कौन सा आसन? उसका आसन धनुरासन. आई हैव टर्न 24 फोर डेज अगो एंड स्टिल मम्मी पापा ने भूल से बाहर निकलने बोला, मतलब निकलना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू लीव, इट्स सो प्रीटी. डोंट वांट मोर फोटो ना, मैं निकल जल्दी. ठीक नहीं, छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे. चलो अभी नहीं तो चाटा मारूंगी. निकलना नहीं है पानी के बाहर. इट्स ओनली विन वन आवर. वन आवर नॉट ओनली वन आवर, इट्स ओनली विन वन. नो मलाका वाला करो अभी. अभी पानी में तो बाद में निकलना. बर्थडे बॉय इज लुकिंग वेरी स्मार्ट. पापा हाय तो करो. ये ले मेरे प्रिंस. दद्दू अपनी फेवरेट प्लेस पे नियर द स्विमिंग पूल. 32 years ही स्वैम ऑफ हिज लाइफ एवरी सिंगल डे. अजियोल अलाइव बिग क्रैब. दद्दू 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 चलो भागते. अरे भागते क्या दादी का. सो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है राइट, तो आप अभी ये टॉर्च ओपन करके क्यों चल रहे हो? क्योंकि मेरे पापा जिद्दी है और इधर ना इतने बड़े बड़े क्रैब्स है. यू सॉ द क्रैब आल्सो एंड वो निकलते हैं शाम के टाइम पे यार, बट ही स्टिल वांट्स टू वॉक एंड गो जब है बस सर्विस. क्यों है वो? क्योंकि नेचर में तो होते हैं. अरे पर मुझे डर लगता है. और हमने ऊपर से ड्रेस पहनी है मैंने और मम्मी ने. Come to a Pan Asian restaurant within the resort only, and we all three really like Pan Asian. Mummy, Papa, पहले ये सब नहीं खाते थे, but they are also slowly adapting to the flavors and you know being open to these different cuisines. So we've ordered dim sums, clear soup, and a raw mango salad. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. मेरा भी 3rd July को है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Haley. Happy birthday to you. बहुत स्ट्रिक्ट डाइट वाले. कोई नहीं, हम खा लेंगे. हाई गुड मॉर्निंग ऑर्डर लेजी डे. वी आर फुल्ली रेडी. सो वी हैव डिसाइडेड पहले से कि हम बहुत सारे फोटोज खींचेंगे साथ में एज अ फैमिली. दैट इज बॉम. इवन दो हमने इतने सारे वेकेशन लिए, वी डोंट हैव मेनी फोटोज टुगेदर. सो दैट्स वॉट इज ऑन द एजेंडा टुडे. ओ सी दैट विनिंग. आई एम इन फुल अलग मूड. इन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया था. मेरे और कुमार की गोवा वाली हालत है. छतरी एक ही हो लोग के पास, इसलिए जबरदस्ती शेयर करना पड़ेगा. ये है हमारा वार्डरोब फॉर द फैमिली शूट. दीज आर फॉर ऑल आर मेम्बर्स. देन अभी हम डेनिम लुक करेंगे और उसके बाद ब्लू हॉट ट्रेडिशनल लुक. समथिंग डिफरेंट अबाउट द वे वी आर.
There's something different about the way we are. लेकिन बाहर ना बड़े बड़े बैग्स है एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स तो वी डिड इट इनसाइड एंड इट वाज सच अ गुड मोमेंट. पापा ने ब्लू यूनिफॉर्म डाला था, फोटो निकाला बहुत बढ़िया लगता था यूनिफॉर्म. हम तीनों ने ब्लू ब्लू डाला था पर इनका ज्यादा मैचिंग था. Hi, good morning. Finally, मैंने daylight देखी because I was waking up so late all of these days. मुझे नींद ही नहीं आई है properly. 4-4 बजे सोई हूँ मैं. I haven't even slept like this in Mumbai. लेकिन अम्ब्रेला लेकर इन माई पजामा आई एम ऑन माई वे टू द रेस्टोरेंट. मम्मी पापा दद्दू आर ऑलरेडी देयर. आज पापा का बर्थडे है एंड आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड पैनकेक्स एंड मौसम्बी जूस. ओ इट्स क्लियर टुडे वरना वो माउंटेन पे हमेशा क्लाउड्स होते हैं. मुझे जब भी पापा से कंप्लेन होती है मैं आती हूँ दद्दू के पास और मैं दद्दू को क्या बोलती हूँ आपके बेटे को डांटो आपके बेटे को डांटो फोन रखने वो बहुत गेम खेलते हैं ऐसे करके मैं दद्दू के पास आती हूँ. सो दिस इज द फेमस पावना लेक. इसी के एज पे ऑन द बॉर्डर सारे कैंप साइट्स बने हैं. पावना लेक कैंपिंग दैट इज फेमस हियर. आई हैव बीन हियर वंस बिफोर. वेरी प्रिटी एंड सीनिक. This in the next video, but